Hi everyone, am I audible and visible to you? This is the first class, guys, of Indian Art and Culture, and it's starting from 1st February. And in this session, we'll discuss something about Indian Art and Culture, introduction of Indian Art and Culture. Here we'll see architectures and sculptures. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए इसके बारे में. हम लाइव कनेक्टेड हैं एंड आई होप सब कुछ ठीक चल रहा है. आप बस मुझे दो मिनट का समय दें, मैं सेटअप को ज़रा चेक कर लूँ, उसके बाद हम सेशंस को शुरू करेंगे. Hi guys, this is Aarti Mishra. और आप मुझे YouTube पर लाइव देख रहे हैं. अभी हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर शुरू करने जा रहे हैं. लेट मी चेक कि सभी सेटिंग सही हैं या नहीं. राइट, आई कैन सी कि सभी सेटिंग सही हैं एंड आई हैव सीन कि काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं. दिस इज आरती मिश्रा. ग्रेट. सो हड़प्पन एंड मौर्यन आर्ट वगैरह आज हम कवर करेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे कि ये है क्या और इंडियन आर्ट एंड कल्चर में हमें क्या पढ़ना होता है, क्या इसके क्लासिफिकेशंस हैं. हम यहाँ जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ नितिन सिंघानिया बुक. तो नितिन सिंघानिया के जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है हम उसे फॉलो कर रहे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या है आर्किटेक्चर में और स्कल्पचर में. क्या डिफरेंस होता है एक आर्किटेक्चर में और एक स्कल्पचर में. अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है. इसका अगर साइज एंड स्कोप देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. इसके डिज़ाइन में हम देखते हैं कि जैसे कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन या उसका कंस्ट्रक्शन, कोई बहुत बड़ी इमारत को बनाना, वो एक आर्किटेक्चर है. लेकिन जो स्कल्पचर है वो एक छोटा रिलेटिवली स्मॉलर वर्क ऑफ आर्ट होता है. जैसे कोई लकड़ी की मूर्ति है, जैसे कोई छोटा सा पीस ऑफ वर्क है, कोई शो पीस है, पॉटरी, सील्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो स्कल्पचर्स में आएंगी. तो स्कल्पचर्स जो हैं वो थ्री डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट हैं. देन मटेरियल अगर हम देखें तो जो आर्किटेक्चर में मटेरियल यूज़ होता है वो जनरली मिक्सचर होता है वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल का. इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर देखते हैं. जैसे कि अगर हमें कोई घर बनाना है तो हमें उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. अगर मान लीजिए कि आप आज एक घर का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे कि आप देखोगे कि लोकेशन क्या है, कौन सा एरिया है, कहाँ पे घर बनाना है, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे. तो इसमें आप स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे. इन सब चीज़ों को हम मिलाएंगे तो एक निर्माण होगा. तो फिर एक जो पूरी एक जो आर्किटेक्चर है उसका वर्क कम्प्लीट होगा. तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर रखना पड़ता है. बट अगर हमें मान लीजिए कि एक छोटी सी मूर्ति बनानी है, कोई छोटा स्कल्पचर बनाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसमें मिक्सचर चाहिए. वो बिना मिक्सचर के भी हो सकता है. जैसे कि वो एक सिंगल पीस के स्टोन से, वुड से भी बन सकता है. तो इसमें एक सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल जनरली यूज होता है. अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि ज़रूरी थोड़ी ना है. मतलब कुछ कुछ तो स्कल्पचर ऐसे होते हैं जिसमें मोतियाँ वगैरह बहुत कुछ कुछ लगा रहता है. तो देखिए, यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो एक जनरल वे में पढ़ रहे हैं कि जनरली डिफरेंस क्या है. उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हो सकती हैं और अलग अलग जगह पर उसकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है. बट अभी हम जस्ट जनरली समझना चाह रहे हैं कि भाई ये आर्किटेक्चर और स्कल्पचर होता क्या है, तब तो हम इंडियन आर्ट को समझेंगे और उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे. इसके बाद अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो जो आर्किटेक्चर है इसमें एक स्टडी इन्वॉल्व है. स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है इसमें, कैलकुलेशंस है इसमें, ज्योमेट्री है. अब कुछ भी चीज़ बनानी है तो उसका करेक्ट हमें डिग्री पता होना चाहिए, करेक्ट हमें उसका मेजरमेंट पता होना चाहिए. अदरवाइज कैसे डोर बनेंगे, कैसे विंडो बनेंगे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. कैसे ब्रिक्स बनेंगे, कैसे उसका पैटर्न बनेगा,
अगर हमें ये पता नहीं रहेगा, हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये कोई इमेजिनेशन वाली चीज़ नहीं है। हालांकि इसमें इमेजिनेशन है, बट इसमें साइंटिफिक टेक्निक्स भी इन्वॉल्व है, इसमें मैथमेटिक कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसका जो मेजरमेंट वगैरह है बहुत एक्यूरेट होता है। ज़रा सी चीज़ इधर उधर हुई और हो सकता है कि वो एक डिजास्टर प्रोन एक आर्किटेक्चर बन जाए, एक ऐसी बिल्डिंग बन जाए जहाँ अगर कल को भूकंप आ जाए तो सब कुछ ध्वस्त और सारे लोग वहीं ख़त्म। तो ऐसा भी आर्किटेक्चर तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। हमें जो भी आर्किटेक्चर बनाना है उसमें हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये पब्लिक बिल्डिंग है या लोग इसमें घरों में रहेंगे, या फिर ये ड्वेलिंग हाउस होगा या कुछ और होगा, क्या है, क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या पर्पस क्या है, ये होगा आर्किटेक्चर। दूसरी चीज़ है स्कल्पचर। स्कल्पचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, इसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, इसमें इमेजिनेशन इन्वॉल्व है, बहुत सारी इमेजिनेशन होती है इसमें। इसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चले, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, हो सकता है उससे खूबसूरती और बढ़ भी जाए, हो सकता है उससे स्कल्पचर और भी बढ़िया दिखने लगे, पॉसिबल है। लेकिन इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है इमेजिनेशन की, इसमें ब्यूटिफिकेशंस की, नक्काशियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये डिफरेंस हुआ आर्किटेक्चर में और स्कल्पचर में, राइट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे फटाफट से उसका आंसर दे दीजिए। अगर हम बात करें पॉटरी की, मटके की, तो पॉटरी किस में आएगा? पॉटरी इज आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, बताइए पॉटरी क्या है? क्या पॉटरी एक आर्किटेक्चर है या स्कल्पचर है? लेट मी सी कौन कौन आंसर दे रहा है और किस किस का आंसर सही है। पॉटरी क्या है? क्या ये एक आर्किटेक्चर है या एक एक स्कल्पचर है ये? यस, इट इज अ स्कल्पचर, राइट। सबसे पहले आंसर दिया है विवेक यादव ने, कॉन्ग्रेचुलेशन। कुलदीप शर्मा एंड दीक्षा शर्मा, अमन सिंह ने सही आंसर दिया है, बहुत सारे लोगों ने सही सही आंसर दिया है। अरे वाह, मतलब मेरे लर्नर्स तो बहुत ही बढ़िया है, आप तो मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो यार, बड़ी जल्दी सीख गए, मेरे को तो ये डिफरेंस समझने में बड़ा टाइम लग गया था। ग्रेट, सो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और चीज़ बताती हूँ गाइज, अब जो है ना हम ये लाइव क्लासेस करेंगे और इसमें हम रोज़ इंटरेक्ट करेंगे, और लाइव क्लास में मतलब ये कोई मज़ा नहीं है कि मैं बोलती रहूँ और आप सुनते रहो, आप आंसर्स दो, आप अपने क्वेश्चंस पूछो। और अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन मैंने आपका नहीं देखा, मैं पढ़ा रही हूँ फ्लो में हूँ, आपका क्वेश्चन नहीं देख पाई, तो एंड में भी आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? एंड में भी आप पूछ सकते हो। ये हम अनअकैडमी प्लस पर ये क्लासेस ले रहे हैं, और प्लस का जो एक मतलब सबका होता था कि यार प्लस बड़ा महंगा है, ये है वो है, तो प्लस हमने थोड़ा सा इसका ये सोचा कि कुछ फ्री लर्नर्स के लिए भी होना चाहिए, तो फ्री प्लेटफॉर्म के लिए हमने यूट्यूब बेस्ट समझा, क्योंकि ये सबसे बढ़िया रहेगा आप सभी को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको फ्रीली ये कोर्स मिल रहा है, जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर का क्रैश कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, और सारी चीज़ें आप फ्री में यहाँ पर समझ सकते हो, सीख सकते हो। और अगर मान लीजिए कि आपके कोई डाउट क्लियर नहीं हुए लाइव क्लास में, अगर हो सकता है मैंने मिस कर दिया आपका कमेंट, तो आप मुझे क्लास के एंड में पूछिए, मैं उसका आपको पूरा समय दूंगी, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके कनेक्ट होने के बहुत सारे और भी तरीके हैं, तो वो आपको मैं क्लास के एंड में बताऊंगी। पहले हमारा फोकस होना चाहिए क्लास पर और टॉपिक पर, कि वो कवर हो जाए, और बाकी चीज़ें हम फिर बाद में धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं कि भाई इंडियन आर्ट एंड कल्चर में हमें पढ़ना क्या है। ये तो समझ में आ गया कि आर्किटेक्चर क्या है, और ये भी समझ में आ गया कि स्कल्पचर क्या है, अब हमें पढ़ना क्या है। देखो आज की क्लास में हम हड़प्पन आर्ट पढ़ेंगे वैसे, और मौर्यन आर्ट को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बट पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखो हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हमें पता है, वी ऑल नो हिस्ट्री तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, आर्किटेक्चर इसमें हम देखते हैं, स्कल्पचर देखते हैं। तो अगर हमें तीन पार्ट्स देखने हैं हिस्ट्री के, तो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं एंशियंट इंडिया। क्लास सिक्स की बुक अभी अगर खोली हो एनसीईआरटी की, तो देखी होगी उसमें क्या है, एंशियंट हिस्ट्री है। तो एंशियंट हिस्ट्री सबसे पहले आया, उसके बाद आता है मिडिवल इंडिया जिसमें इस्लामिक इन्वेशंस हुए, और उसके बाद हम देखते हैं कि यूरोपियन का एडवेंट हुआ। जब यूरोपियंस आ गए, तो यूरोपियंस के आने के बाद जो आर्ट एंड कल्चर डेवलप होता है इंडिया में, दैट इज मॉडर्न इंडिया, तो वो मॉडर्न इंडिया का आर्ट एंड कल्चर होगा। इन तीनों को हम वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें, तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है प्री हिस्ट्री से, राइट। अभी प्री हिस्ट्री का तो नितिन सिंघानिया में इतना ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, तो प्री हिस्ट्री की अगर हम बात करें, व्हाट इज प्री हिस्ट्री? देखो प्री
प्री हिस्ट्री में दो चीजें होती हैं, स्टोन एज एंड मेटल एज। स्टोन एज के तीन पार्ट्स हैं, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड लास्ट इज, लास्ट बताइए लास्ट क्या है, तीसरा स्टोन एज का थर्ड पार्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। थर्ड इज न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज देखो, पेलियोलिथिक एज, पेलियो मतलब होता है पुराना और लिथिक मतलब पत्थर, पेलियोलिथिक एज। मीजोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज, पहले आया ओल्ड स्टोन एज, पेलियोलिथिक एज ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक एज मिडल स्टोन एज, न्यूलिथिक एज न्यू स्टोन एज। ये तीन है, इसमें स्टोन टूल्स का यूज होता था। और मेटल, मेटल का जो यूज है वो हमें मिलता है मेटल एज में। मेटल एज के भी तीन पार्ट्स हैं, पहला है कॉपर एज, फिर आया ब्रॉन्ज एज, फिर आया आयरन एज, ठीक है, लास्ट में आया आयरन एज, लोहा आयरन, ठीक है। तो अभी यहां पे हम देखेंगे कि स्टोन एज और मेटल एज के बीच में ना ट्रांजिशन होता है, एक ऐसा पीरियड है जो ट्रांजिशनल पीरियड है। वो क्या है, कौन सा पीरियड है वो, जब ट्रांजिशन होता है अचानक से। तो ऐसे नहीं है ना कि स्टोन के टूल्स यूज कर रहे हैं फटाफट से फिर मेटल के टूल्स यूज करेंगे, नहीं, ट्रांजिशन होगा, बीच में कुछ होगा, उसे कहेंगे ताम्रपाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल। यानी कि ताम्र को और पाषाण को मिला दिया, ताम्र को और पाषाण को मिला दिया, स्टोन को और मेटल को मिक्स किया और मिक्स करके एक नए एज की शुरुआत की। कुछ ऐसे मेटल जिसमें लोहा भी मिला हुआ है, जिसमें स्टोन भी मिला हुआ है, जिसमें और भी दूसरे मटेरियल मिले हुए हैं, ठीक है। तो एक एक करके कवर करेंगे इसको। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो हम हड़प्पन आर्ट पढ़ रहे हैं ये कौन से एज में आएगा, ये आएगा ब्रॉन्ज एज में, जो मेटल एज का पार्ट है ब्रॉन्ज एज उसमें आएगा। उसके बाद आता है मौर्यन आर्ट जो कि आयरन एज के बाद आया। आयरन एज में हम वैदिक एरा पढ़ते हैं, वैदिक एरा के दो हिस्से हैं, ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक एरा, पर वो मैं अभी आज आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, वो हम कभी और किसी और क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारा फोकस रहेगा आर्ट एंड कल्चर पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मौर्यन आर्ट फिर हम पढ़ते हैं। तो पहले तो आया हड़प्पन आर्ट, फिर आया मौर्यन आर्ट, फिर आया पोस्ट मौर्यन आर्ट, देन गुप्ता एज का आर्ट, साउथ इंडियन आर्ट। एंशियंट इंडिया में ये सारे पढ़ने होते हैं हमें, और जब मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का और मुगल आर्ट, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आर्ट पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया में, और मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे इंडो गॉथिक स्टाइल एंड न्यो रोमन स्टाइल, ठीक है। ये तीन हमारे सब डिविजन्स है। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा हड़प्पन आर्ट। और जब भी हम किसी जगह का आर्ट पढ़ेंगे, जब भी हम कुछ पढ़ेंगे तो उसका दो चीज़ पढ़ेंगे। अगर हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो उसके दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो आर्किटेक्चर, दूसरा स्कल्पचर। हड़प्पा के पहले सारे आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, फिर हड़प्पा के सारे स्कल्पचर पढ़ेंगे। जब मौर्यन का पढ़ेंगे तो मौर्यन में पहले मौर्यन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, फिर मौर्यन स्कल्पचर पढ़ेंगे। तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर पूरा कवर होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मतलब हो ना हो, ये दो चीज़ें हमारी कवर होंगी। तो पहले हड़प्पन आर्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो हड़प्पा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। पहले शहर यही मिला था हड़प्पा, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी। तो ये इंडस नदी के किनारे डेवलप हो रही थी, बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस, एंड ये सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम BC में शुरू हुआ। वेस्टर्न इंडिया के बहुत बड़े इलाके में ये फैला हुआ था। तो अब हम इसे कह रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन की खास बात क्या है, खास बात है यहाँ की जो वस्तुएं हमें मिली है, जो हाइजीन ये लोग मेंटेन कर रहे थे, टाउन प्लानिंग इनकी बहुत ही बढ़िया थी। आपने बहुत कुछ सुना होगा हड़प्पन आर्ट के बारे में, टाउन प्लानिंग अच्छी है, ड्रेनेज पैटर्न बड़ा अच्छा था, ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे एंड ऑल। तो वो चीज़ें आज हम मैप के जरिए, इमेजेस के जरिए थोड़ा सा कवर करेंगे। तो स्कल्पचर, सील्स, पॉटरीज, ज्वेलरीज, ये सब कुछ हमें मिला है। और इसमें अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बात करें तो दो मेजर साइट्स हैं ये सिविलाइजेशन की, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अच्छा, मोहनजोदाड़ो के ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है, हड़प्पा के ऊपर नहीं बनी है, पता नहीं कब बनेगी, देखते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनेस्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो भाई बहुत ही अच्छी अर्बन सिविक प्लानिंग, बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट, और रोड्स वगैरह सब बिल्कुल एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काट रहे हैं, ग्रिड सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, हाउस एंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, सुपर्ब। और इस टाइम में इंजीनियरिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी थी। अब जब इतनी बढ़िया मतलब ब्रिक्स का इंटरलॉकिंग पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर जगह इतना सब कुछ बनाया हुआ है, तो ऑफकोर्स इंजीनियरिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी होगी। सारे IITian थे यहाँ पे, सब IIT वाले यहाँ पे आ गए। मतलब इसका मतलब अगर हम इसे कंपेयर करें आज की अर्बन सिविलाइजेशन से,
तो अगर इसे कंपेयर किया जाए तो हम तो पीछे हैं। अगर 19-20 का फर्क होगा भी तो हम 19 है, वो 20 है। वो तो हमसे बेटर ही थे, काफी अच्छी प्लानिंग थी उनकी, काफी बढ़िया चल रहे थे ये लोग। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से शहर में क्या क्या मिला। ये क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि प्रीलिम्स में से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए क्या फाइंडिंग्स कहाँ से मिली है। तो आर्कियोलॉजिक फाइंडिंग्स जो है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, इसे थोड़ा कवर करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? प्रेजेंट है पाकिस्तान में। यहाँ पे हमें मिली है 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है? भंडार घर। यहाँ पे अनाज को रखा जाता है भंडार करके। तो एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म पहले बनाएंगे, उसके ऊपर ग्रेनरी बनाएंगे। प्लेटफॉर्म क्यों बना रहे हैं? ताकि पेस्ट कंट्रोल हो सके, कीड़े मकोड़े ना लगे उस पर। और बहुत सारे हमें यहाँ पे स्टोन सिंबल्स मिले हैं लिंगम और योनि की। यहाँ पे लिंग वर्शिप होती थी। अच्छा, आज क्या हम लोग लिंग वर्शिप करते हैं? क्या आज लिंग वर्शिप प्रेवलेंट है इंडिया में? डू वी डू लिंग वर्शिप? यस वी डू। हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग है ना, पूजा होती है। और मदर गॉडेस के फिगर भी मिले हैं। हम आज भी मदर गॉडेस के कई सारे फिगर्स को पूजा करते हैं। तो हमें कई सारे मदर गॉडेस के फिगर मिले हैं। और महिलाओं की स्थिति इस टाइम में अच्छी थी। व्हीट एंड बार्ले, जो वुडन मॉर्टर है, ये सब भी मिला है हमें। वुडन मॉर्टर मतलब क्या है कि देखो, जैसे ओखली होती है और सिलबट्टा होता है जिसमें चटनी वगैरह पीसते हैं, वो सब मिला है हमें यहाँ से। व्हीट और बार्ले के साइन मिले, डाइस मिला है, कॉपर का स्केल मिला है, मिरर मिला है, और बहुत सारी मतलब इन चीज़ों की इन्होंने डिस्कवरी कर ली थी। हमें एक स्कल्पचर मिला है जिसमें एक जो डॉग है वो डियर को चेज कर रहा है, डॉग चेजिंग अ डियर। एक ब्रॉन्ज मेटल में ये मूर्ति बनी हुई है। एक न्यू डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है हमें, और ये बहुत पुरानी ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। हमें रेड सैंडस्टोन का मेल टॉर्सो मिला है, और ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पा से मिली हैं। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है हमें द ग्रेट बाथ। अभी जैसे कुंभ का मेला लगता है, कुंभ के मेले में कैसे सारे मतलब सब बिल्कुल सामूहिक स्नान करने जाते हैं, साथ में मिलकर के पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद पहले भी ऐसा होता होगा, सामूहिक स्नान का कल्चर होगा। तो ग्रेट बाथ में सभी लोग जाते थे, और हमें ग्रेट ग्रेनरी भी मिली है। पोस्ट क्रिमेशन के बरियल भी मिले हैं। पोस्ट क्रिमेशन का बरियल का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे हम देखते हैं कि आज भी अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थियां होती हैं उनको बाद में बहाया जाता है, तो पहले भी ऐसे अंतिम संस्कार के बाद बहुत सारी और भी रिचुअल्स होते थे जो कि हमें इस टाइम में देखने को मिलते हैं। एक और स्कल्पचर मिला है हमें बियर्डेड प्रीस्ट का। डोंट वरी, मैं अभी आपको इन सब चीज़ों की इमेजेस दिखाऊंगी तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। एक बार से पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ से मिला है, फिर उसकी इमेजेस भी देखेंगे हम। ठीक है, उसकी इमेजेस हैं मेरे पास, डोंट वरी। अब क्या है कि यहाँ पे बियर्डेड प्रीस्ट की जो हमें मूर्ति मिली है, जो स्कल्पचर मिला है, वो दिखाता है कि भाई बियर्डेड प्रीस्ट जो है वो बड़े फैशनेबल हैं। उन्होंने ट्रीफॉल पैटर्न में शॉल ओढ़ा हुआ है, उनकी जो बियर्ड है वो बहुत अच्छे से, उनके बियर्ड में हम देख रहे हैं कि स्टाइलिस्ट है बिल्कुल, हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है उनका। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। एक बार इस चीज़ को हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक तो पशुपति सील है जो कि हमें उस टाइम में मिली थी। एंड यहाँ आप देख सकते हैं जो मैं बात कर रही थी ब्रॉन्ज फिगर की, ये ब्रॉन्ज फिगर है, ये मेल, ये जो है ये हमें मदर गॉडेस का फिगर मिला है, ये वाला, दिस इज द मदर गॉडेस फिगर। पॉटरी में हमें ये सब मिला है, मटके वगैरह बहुत मिलते थे हमें। ये देखिए, ये वाली बात कर रही थी मैं, ये इनकी बात हो रही थी। ये जो है ये बियर्डेड प्रीस्ट है, ये एक पंडित जी हैं और इन्होंने दाढ़ी रखी हुई है। और इनकी दाढ़ी की खास बात ये है कि इनकी दाढ़ी बड़ी स्टाइलिश है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे देखिए, इनकी आंखें जो है आधी क्लोज है और आधी खुली हुई है। अच्छा, हाफ अगर आंखें क्लोज है तो मतलब क्या है? अगर किसी की आंखें आधी बंद है और आधी खुली हुई है तो मतलब क्या कर रहा है वो इंसान? ही इज मेडिटेटिंग, मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, यस राइट। तो मेडिटेशन हो रहा है। और इनके देखे यहाँ पे इन्होंने एक हेड में कुछ ऐसा पहना हुआ है, इनके हेड में इन्होंने कुछ हेड में कुछ ऐसा पहना हुआ है ऑर्नामेंट। और इनका आप ये देखो, ये जो शॉल है, इस शॉल में कितनी बढ़िया एम्ब्रॉयडरी की हुई है, काफ़ी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की हुई है। मतलब ये लोग फैशन कॉन्शियस थे, ये लोग काफ़ी फैशन कॉन्शियस थे, राइट। तो ये सब देख रहे थे हम। एंड वापस आते हैं थोड़ा टॉपिक पे, धोलावीरा की बात करते हैं। धोलावीरा है गुजरात में। यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वॉयर मिला है, पानी को इकट्ठा किया जाता है, यहाँ था, यहाँ पर स्टेडियम है, डैम है, एम्बैंकमेंट्स हैं, और बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है ना, बड़े हार्ड सरफेस पर लिखा जाता है। हार्डर सरफेस पर लिखे हुए जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि रोड साइड से कभी आप गुजरो तो आपको बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड्स दिखेंगे। तो वो जो बोर्ड्स होते हैं बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के, उसमें आप देखोगे कि कितना बड़ा उसका साइज होता है।
उतने बड़े साइज के हमें 10 लार्ज साइज्ड साइन वाले वो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। लोथल है, लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। देखो मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मैनचेस्टर, मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर है जो एक ऐसा शहर हो, एक ऐसी जगह जहां से ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एक्टिविटीज का सेंटर जो होता है उसे हम मैनचेस्टर कहते हैं। तो गुजरात में ये लोथल था और ये मैनचेस्टर है। डॉक यार्ड, डबल बरियल, रिस्क हस्क और फायर अल्तार हमें मिला है, हमें यहाँ पे पेंटेड जार मिला है, मॉडर्न डे का चेस मिला है, टेराकोटा के फिगर्स मिले, हॉर्स का, शिप का फिगर मिला है, और 45, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंगल्स को मेज़र करने के लिए एंगल्स मिले हैं। देन है राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है, राखी गढ़ी इज़ इन हरियाणा, ये भी एक जगह है जो हमें फाइंडिंग में मिली। रूपर है पंजाब में, रूपर में एक चीज़ मिली है हमें, एक डॉग है जो कि अपने ह्यूमन के साथ ब्रीड है, ओवल पिट बरियल। देखो ओवल का मतलब क्या होता है, अंडाकार, अंडाकार ओवल, पिट मतलब क्या होता है, व्हाट इज पिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिट, टेल मी, लेट मी सी कौन सा इसे आंसर दे रहा है, लेट मी चेक, पिट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज पिट, सी गाइस एक क्वेश्चन पूछा है MD दाऊद ने कि टेराकोटा क्या होता है, ठीक है, टेराकोटा जो है आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ। टेराकोटा क्या होता है ना, जो चिकनी मिट्टी होती है उसको पका दिया जाता है, मिट्टी पकी हुई होती है तो उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो पकी हुई मिट्टी थोड़ी सी मजबूत होगी, उससे बनाएंगे जो चीज़ें वो मजबूत होगी, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी, तो उसको टेराकोटा कहते थे। यस, एम्बैंकमेंट वॉज अ वॉल टू प्रोटेक्ट इट, एक डैम की तरह वो काम करती थी ये चीज़ें। ओके गुड, हाँ पिट का मतलब होता है गड्ढा, राइट, प्रकाश शाहनी ने सबसे पहले आंसर दिया है, एंड सलभ सिंह, आर्यन शर्मा, ओके बंटी कुमार, ठीक है काफ़ी सारे आंसर्स आए। यस सो पिट मतलब हो गया गड्ढा, तो पिट हाउसेस हमें देखने को मिलते थे। ओवल, ओवल का मतलब देख रहे हो आप, ये है ओवल, और पिट का मतलब है गड्ढा, तो ओवल पिट बरियल ऐसे गड्ढा बना देते थे और इसके अंदर जो बॉडी होगी उसको दफनाया जाएगा, इसके अंदर बॉडी को दफनाया जाएगा और इस बॉडी के साथ जो डॉग है उसको भी दफना दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये इसका मालिक है और इस मालिक के साथ ही उसके डॉग को भी दफना दिया गया। ये हमें मिला है रोपर में। इसके अलावा है बालाथल एंड कालीबंगन जो कि राजस्थान में, यहाँ पे हमें बैंगल फैक्ट्री मिली है, टॉय कार्ड्स मिले हैं, बोन्स मिले हैं हमें कैमल के, और डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली है, सीटाडेल और लोअर टाउन मिला है। अभी सीटाडेल और लोअर टाउन क्या होता है, देखो मान लो कि ये पूरा शहर है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न पार्ट में बड़े बड़े घर हुआ करते थे, बड़े बड़े हॉल्स वाले घर होते थे, इसमें क्या रहते थे, इसमें जो राजा महाराजा हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो चीफ्स हैं, उनका घर होता था। और जो दूसरी तरफ ईस्टर्न है वो लोअर टाउन था, लोअर टाउन में जो कॉमन लोग हैं उनके छोटे छोटे घर होंगे, लेबर क्लास जो है वो ये लोअर टाउन में रहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भेदभाव था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में सोसाइटी में डिवीजन था, देयर वॉज डिवीजन इन दी सोसाइटी, डिस्क्रिमिनेशन तो था, लोगों के घरों से वो डिस्क्रिमिनेशन पता चल रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो भी उसमें चेंजेस हैं, हर किसी की लाइफस्टाइल एक जैसी नहीं है, सबकी अलग अलग तरीकी है। कुछ तो बहुत अमीर लोग भी होंगे जो अरिस्टोक्रैट होंगे, कुछ नॉर्मल लोग होंगे जिनके घर छोटे हैं, जो कंपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। अच्छा एक खास चीज़ ये है कि हर किसी के घर में कुआं है, वेल है और टॉयलेट्स हैं, तो उनको हाइजीन का तो मेंटेनेंस था, और अपना ही नहीं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपना पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन पर भी उतना ही ध्यान है, दोनों चीज़ों पर ध्यान है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सुरकोटदा जो है वो है गुजरात में, यहाँ पे हमें हॉर्स बोन्स के एक्चुअल रिमेन्स मिले हैं पहली बार। एक बार इन चीज़ों को थोड़ा मैप में देखते हैं, आइए यहाँ आप देखिए, ये है मैप हमारा, और यहाँ आप देख सकते हो ये है कालीबंगन, यहाँ पे इधर देखिए ये है कालीबंगन, यहाँ है हड़प्पा, दिस इज हड़प्पा जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ, हड़प्पा, एंड आप यहाँ देखें थोड़ा ध्यान से तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोट दीजी, और कोट दीजी के नीचे है चनूदड़ो, यहाँ गुजरात है, गुजरात में है लोथल, लोथल वॉज दी मैनचेस्टर, याद रखना है मैनचेस्टर। इधर देखिए यहाँ है आलमगीरपुर दिल्ली के पास, यहाँ रूपर है, रूपर में क्या था, एक डॉग को मालिक के साथ दफनाया गया है, डॉग ब्रीड विथ अ ह्यूमन, ठीक है ये सारे हैं।
यहाँ थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पे सुरका सुरका गेंडोर है, ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हड़प्पा के, ये सारे सिटीज़ हैं। अच्छा, इसमें एक जगह है बनावली, जो कि हरियाणा में है बनावली। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें तो इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे हमें एक टॉय प्लफ मिला है और बार्ली की ग्रेन्स मिली है। टॉय प्लफ मतलब कि हल मिला है। अच्छा, टॉय प्लफ मिला है, हल मिला है, तो हलों की जानकारी तो थी उनको। हालांकि इस टाइम में आयरन नहीं आया है, तो लकड़ी के जो हल है वो बनते थे और ओवल शेप के सेटलमेंट हुआ करते थे। और यही एक ऐसी सिटी है जिसमें रेडियल स्ट्रीट को फॉलो किया गया है। रेडियल स्ट्रीट क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए इमेज में, दिस इज रेडियल स्ट्रीट। रेडियल स्ट्रीट में क्या है कि कनेक्टिविटी है। यहाँ पे आप देखो बीच में एक पॉइंट है, उसको कनेक्ट करने के लिए अलग अलग जगह से रास्ते आ रहे हैं। यहाँ से भी रास्ता बना हुआ है, यहाँ से भी रास्ता बना हुआ है, सारे रास्ते आ रहे हैं, ये होता है रेडियल। इसके बाद देखो ये वाला जो है, ये है ग्रिड सिस्टम, जो कि जनरली हड़प्पन सिविलाइजेशन में फॉलो होता था। सब जगह हमें ग्रिड सिस्टम दिखता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो 90 डिग्री एंगल पे जो रोड्स हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं। 90 डिग्री एंगल का कट हो रहा है, एकदम राइट एंगल पे कट हो रहा है। पूरा शहर जो है वो एकदम कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, और ये होता है इरेगुलर। और आजकल हम देखते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतना डेवलप हो रहे हैं, पर फिर भी शहरों में जाओ तो आपको कौन सा वाला पैटर्न देखने को मिलता है ज्यादातर, बताइए? दिस इरेगुलर पैटर्न, राइट? इरेगुलर पैटर्न हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और जो जो सिटीज प्लान्ड है वहां तो ठीक है, जहां पे प्लानिंग हो रही है। जहां प्लान्ड नहीं है और जहां आप स्लम्स वगैरह देखोगे तो बिल्कुल इरेगुलर बने हुए हैं। ये बनावली में जो है, बनावली में हमें रेडियल स्ट्रीट देखने को मिली है। बनावली हरियाणा, यहाँ पे हमें रेडियल स्ट्रीट देखने को मिली है। इसके बाद यहाँ देखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में था, और यहाँ पे हमें मिला है एक कपड़ा जो कि जिसपे हम इम्प्रेशन देख रहे हैं, इम्प्रेशन ऑफ क्लोथ, जो कि एक ट्रफ के ऊपर है। ऐसा लग रहा है कपड़ा जो है, ऐसा लग रहा है कि किसी स्किन जो होती है किसी एनिमल की, उसको निकाल के सुखाया जा रहा है और उसको यूज़ किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसमें और क्या क्या रिमेन्स हमें मिले हैं, और उससे हमें उन लोगों के बारे में क्या पता चलता है। एक चीज़ मैंने आपको ये बताई कि टाउन प्लानिंग इनकी बहुत ही अच्छी थी। टाउन प्लानिंग वॉज ग्रेट, टाउन प्लानिंग बहुत ही बढ़िया थी, और रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न को ये लोग फॉलो करते थे। रोड्स नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट ऐसे डायरेक्शन में मूव होते थे और एक दूसरे को कट करते थे राइट एंगल्स पे। बड़े बड़े रोड्स जो है वो पूरे शहर को नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे, और जो छोटे छोटे रोड हैं वो लोगों के घरों से निकलते थे और मेन रोड को जाकर के ज्वाइन करते थे। बिल्डिंग तीन प्रकार की थी, बिल्डिंग तीन प्रकार की थी। पहली थी ड्वेलिंग हाउसेस, मतलब जहाँ पे लोग रहेंगे। ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, रहने वाले घर। फिर होते थे पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग मतलब क्या है, जहाँ पर जो लोग हैं वो पब्लिकली मिलेंगे, कोई सेरेमनी है, कोई फंक्शन है, कोई ओकेजन है तो मिलेंगे। और तीसरा है पब्लिक बाथ, जहाँ पे सामूहिक स्नान होता था, और इन पब्लिक बाथ्स के आसपास चेंजिंग रूम्स भी हुआ करते थे। हड़प्पन जो है बर्न्ड मड ब्रिक्स का यूज़ करते थे, जो पक्की ईंटें हैं उसका यूज़ करते थे, और ये स्टैंडर्डाइज डायमेंशन की होती थी। एक ही प्रकार की ईंटें और एक ही प्रकार का डायमेंशन फॉलो करते हुए जो पैटर्न है वो पूरे सिविलाइजेशन में मिला है, हर जगह पूरे शहर में एक ही जैसा है। अब एक जैसा, इसका मतलब एक किंग होगा जो सबको डायरेक्शन दे रहा है कि ऐसे ऐसे प्लान करो, और प्लानिंग बहुत अच्छी हुई तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही बढ़िया हो रहा था। कई सारी लेयर्स ऑफ वेल ब्रेक ब्रिक्स जो है वो हमें मिली है, और उनको आपस में ज्वाइन किया हुआ था, बिल्कुल उनको आपस में ऐसे इंटरलॉकिंग पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छे से उसको ज्वाइन किया हुआ है। और जैसे आजकल हम सीमेंट देखते हैं ना, सीमेंट का यूज होता है जो जोड़ने के लिए घरों में सीमेंट लगाते हैं, तो पहले होता था जिप्सम मॉर्टर, ये एक प्रकार का सीमेंटिंग एजेंट है, जिप्सम मॉर्टर इसका यूज होता था, जिप्सम मॉर्टर। जो सिटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, मैंने आपको बताया सिटाडेल जो कि वेस्टर्न पार्ट में है, अपरेज सिटाडेल, और दूसरी तरफ है लोअर टाउन। जो सिटाडेल है वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ग्रीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, पिलर हॉल है और कोर्टयार्ड है, ये सब है। और जो बिल्डिंग है इसमें हम देखते थे कि सिटाडेल जो है वो, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते होंगे, रूलर्स रहते होंगे, और इसमें जो ग्रेनरीज थी वहाँ पे हम देखते थे कि इनको बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइन किया जाता था। एयर डक्ट होता था, सफाई का पूरा ध्यान था, रेज प्लेटफॉर्म था ताकि पेस्ट कंट्रोल हो सके और मतलब कीड़े मकोड़े उसमें ना लगे। हड़प्पन सिटीज का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि पब्लिक बाथ हमें हर जगह जगह देखने को मिल रही है, पब्लिक बाथ्स, और ये इंडिकेट करता है कि इंपॉर्टेंस कितनी है रिचुअलिस्टिक क्लिंजिंग की। बाथ मतलब नहाना, और नहाते लोग क्यों है, सफाई के लिए। रिचुअलिस्टिक क्लिंजिंग को दिखाया जा रहा है। अब भले ही सर्दी के मौसम में आप ना नहाओ वो बात अलग है, लेकिन देखो रिचुअलिस्टिक क्लिंजिंग के लिए ये बात होती थी, पब्लिक बाथ्स, और ये उनके कल्चर का हिस्सा था।
और यहाँ पर हम देखते थे कि इनकी जो बात है, पब्लिक बात है, उनके आसपास गैलरीज होती थी, रूम्स होती थी जहाँ पे वो लोग चेंज कर सकें। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पब्लिक बात का, ग्रेट बात का, जो कि हमें मोहनजोदाड़ो में मिला है। और यहाँ हम देखते हैं कि आज भी इसमें ना ही कोई क्रैक है, ना कोई लीक है, बहुत ही बढ़िया प्लास्टर किया हुआ है और बहुत अच्छे से इसको कवर करके बनाया गया है। इसके बाद जो लोअर पार्ट ऑफ सिटी है, सिटाडेल के बाद जो दूसरा लोअर पार्ट है, जो कि दूसरा हिस्सा है ईस्टर्न साइड में, यहाँ पे छोटे छोटे घर होते थे और यहाँ पर लोग जो है क्वार्टर्स में जो रहते थे वो वर्किंग क्लास के लोग रहते थे। और यहाँ हमें कुछ ऐसे हाउस मिले हैं जो कि 2 मंजिला होते थे, स्टेयर्स हैं, तो 2 मंजिला घर भी हुआ करते थे लोगों के पास। और हर किसी के घर में कुआं और बाथरूम होता था, प्रॉपरली घर वेंटिलेटेड होता था और इन लोगों को पूरा समझ था कि भाई हमें कैसे घर बनाना है, कैसे कैसे उसको जोड़ना है। और पूरे जो इनके जो सारे घर हैं उनके घर घर के से नालियाँ निकलती थी और वो जा करके बड़ी बड़ी नालियों को जोड़ लेती थी, जो ड्रेन्स होते हैं उसको जोड़ लेती थी, तो ताकि कहीं पे भी कूड़ा कचड़ा गंदा पानी इकट्ठा ना हो। ड्रेन्स को कवर किया गया था लूजली, और इसलिए लूजली ताकि उसको समय समय पर सफाई कर सके, मतलब ये इतनी बड़ी होती थी कि उसमें एक इंसान पूरा घुस करके उसकी सफाई कर सके, तो बहुत अच्छे से मेंटेनेंस था। सेसपिट से ढक दिया जाता था, मतलब मान के चलो ढक्कन के जैसा ढक करके रखते थे और उसको रेगुलर इंटरवल्स पर उसको साफ किया जाता था। तो हाइजीन का ध्यान था, बोथ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, और इस समय में, इतने पुराने समय में ये होना एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे हमने हड़प्पा का आर्किटेक्चर कवर किया, हड़प्पन आर्किटेक्चर इज डन, पूरी तरह से कवर्ड। अब हम कवर करेंगे स्कल्पचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्कल्पचर्स को कवर करेंगे, यानी कि मूर्तियाँ, छोटी मोटी जो चीज़ें थी, आर्टफैक्ट्स। उसको अभी आर्किटेक्चर से कोई डाउट है आपको, एनी डाउट फ्रॉम आर्किटेक्चर, कुछ रिपीट करना चाहें तो बताएं, कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट, कुछ छूट गया हो अगर आपका तो आप बता सकते हो मुझे। नो डाउट्स, ठीक है, स्कल्पचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी लखन, इफ़ यू वॉन्ट पीडीएफ। और देखो गाइज, अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है, लाइक इसका एनसीईआरटी कवर करना है, इसका हिस्ट्री कवर करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक नई चीज़ आई है अभी और वो बहुत ही बढ़िया है। और वो क्या है कि एक सब्सक्रिप्शन का प्लान शुरू हुआ है अनअकैडमी पे। जैसे आप जाओ अनअकैडमी पे, ठीक है, वहाँ पे आपको उसके ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करोगे तो उसमें एक प्लस का सेक्शन दिखेगा, उसमें आप जाओ और सब्सक्रिप्शन ले लो। सब्सक्रिप्शन का जो ये प्लान है, इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर्स, जो टॉप एजुकेटर्स हैं, टॉप 20 25 एजुकेटर्स हैं, जो कि आपको कोर्स दे रहे हैं, और ये आपकी मर्जी है, जितने लंबे समय के लिए आप चाहे वो ले सकते हो। उसमें आपको पूरा जीएस का कवरेज मिल रहा है, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, करंट अफेयर, एनसीईआरटी, हर एक चीज़ मिल रही है। मैं क्या क्या पढ़ा रही हूँ वहाँ पे, मैं पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी 6 to 12 ऑल दी सब्जेक्ट्स, साथ ही मैं पढ़ा रही हूँ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ये मेरा एरा है, इसमें ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ। और मेरा पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल यू ऑल नो, सिंस लास्ट 1 ईयर मैं पढ़ा रही हूँ अकेडमी पे, एंड आई हैव क्रॉस्ड अराउंड 2.5 मिलियन व्यूज़। अच्छा, अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के लिए फीस है, ये है वो है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एक बार आप ट्राई करो। अदरवाइज फ्री प्लेटफॉर्म पर आपके पास बहुत सारे फ्री कोर्सेज है जो आप देख सकते हो। अगर आप आरती मिश्रा सर्च करो, नाम की स्पेलिंग ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़िंदगी में बहुत काम आएगी, नाम की स्पेलिंग याद रखो, आरती मिश्रा। यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे, अनअकैडमी पे जाएंगे, और इससे आपको क्या मिलेगा, यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसकी फ्री समरी आपको मिलेगी विद नोट्स, एंड आप उसके पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो जितनी भी बुक्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड उसकी समरी मैं बनाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसे देखिए। अभी मैंने शंकर आईएएस की समरी बनाई है, शंकर आईएएस की एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, वो आप देख सकते हैं और खुशी खुशी उसको इंजॉय कर सकते हैं। चलिए वापस आए टॉपिक पे, हो गया एडवर्टाइजमेंट, अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। सब्सक्रिप्शन की बात हो गई है, आप उसको चेक कीजिएगा ऐप पर। अब स्कल्पचर्स पे आते हैं, हम बात कर रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हम इसके स्कल्पचर्स को देखेंगे। तो जो हड़प्पन स्कल्पचर्स हैं ये एक्सट्रीमली, इसको आप देखोगे कि बहुत ही फाइनली इनको बनाया जाता था। 3 डायमेंशनल वॉल्यूम स्कल्पचर का मतलब क्या है, मूर्ति, पॉटरी, मटके, ये सब छोटी मोटी चीज़ें स्कल्पचर्स में आती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, हमें मिली है सील्स,
हमें मिले हैं ब्रॉन्ज फिगर्स, हमें मिली है पॉटरीज, ठीक है। और गाइस एक और चीज़ आपको बताऊं, आप में से कुछ लोग ना जो लाइव सेशन में अननेसेसरी कमेंट्स करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, बट रियलिटी में बताऊं तो टीम जो है वो देखती है, एंड हो सकता है कि आपको अनअकैडमी से ब्लॉक कर दिया जाए अगर आप कोई अननेसेसरी कमेंट करते हो तो क्लास में, फिर आपकी जो पढ़ाई है वो इससे हैम्पर होगी। तो खुद को परेशान करने और दूसरों को परेशान करने से अच्छा है कि क्लास को आप सुने, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन लीव, बट आपको फालतू कमेंट्स नहीं करने चाहिए, ठीक है। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अभी हम सील्स की बात करते हैं, तो सील्स क्या होते हैं? देखो सील्स जो है ये एक तरह से मानो कि एक प्रकार का पंच मार्क के जैसा है, कि किसी चीज़ पे हमने ठप्पा लगा दिया, स्टैंप लगा दिया। जैसे कि मान लो आपने मिनरल वाटर की बॉटल खरीदी, आपने बॉटल खरीदी मार्केट से, अब आप वो बॉटल अगर देखोगे तो वो सील पैक होती है। आप कोई मेडिसिन खरीदते हो वो सील पैक होती है, कोई भी सामान आप लाते हो वो सील होता है, पैक्ड होता है। अगर वो पैक्ड है तो मतलब क्या है, वो सेफ है, वो यूज नहीं है, वो ठीक है। तो ऐसे ही सील्स का भी बहुत सारा प्रयोग होता था, और हमें कई सारी मूर्तियां भी मिली हैं, कई सारी हमें पॉटरीज भी मिली हैं, मटके वगैरह भी मिले हैं। तो सील्स की अगर हम बात करें तो आर्क्योलॉजिस्ट जो हैं उन्हें बहुत सारी न्यूमरस सील्स मिली हैं, डिफरेंट शेप्स और साइजेस के, जो कि हमें देखने को मिलते हैं। ये स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, हर एक शेप के होते थे, जो भी शेप आप सोच सकते हो हर एक शेप का सील मिल जाता था। और इसमें अच्छी बात क्या है ना कि ये लोग हर मटेरियल यूज़ करते थे, मतलब मिट्टी से लेकर के सोना, चांदी और प्रीशियस मेटल्स और जो भी सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, हर एक चीज़ का इनको यूज़ था। पूरा वैरायटी हम देखते थे इनके टाइम पे। तो इन्होंने हर एक चीज़ को यूज़ किया। जैसे कि एक स्टेटाइट, एक सॉफ्ट स्टोन होता है स्टेटाइट, ये मिलता है नदी के किनारे, और इसको बहुत यूज़ किया जाता था। इट वॉज़ अ मोस्ट कॉमन मटीरियल टू बी यूज इन सील्स। अगर आपसे कोई पूछे कि हड़प्पन सील्स को बनाने में कौन सी वो चीज़ है जिसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, कौन सा था कॉमन मटेरियल, प्रीलिम्स में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे द सील वॉज स्टेटाइट, विच इज़ अ सॉफ्ट स्टोन, स्टेटाइट। इसके अलावा ये एगेट, चर्ट, कॉपर, फाइंस, टेराकोटा सील्स भी हमें मिली हैं, कॉपर, गोल्ड और आइवरी सील्स भी हमें मिली है। और आइवरी क्या होता है, व्हाट इज आइवरी? आइवरी किसे कहते हैं? हाथी दांत, एलिफेंट का जो टस्क होता है, हाथी का जो एक दांत निकला हुआ रहता है, उसको हम कहते हैं आइवरी। और ज़रूरी नहीं है कि ये आइवरी मतलब आपको हाथी का दांत से ही मिलेगा, इसको आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है, वाइट पेस्ट बनाया जाता है और डेकोरेशन वगैरह के लिए जो आर्टिफिशियल आइवरी है उसको भी यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं मिली थी। कभी अगर आपको वक्त मिले, अगर आप दिल्ली में हो और या अगर दिल्ली जाने का प्लान करो, तो यू मस्ट गो टू नेशनल म्यूजियम, विच इज़ नियर टू इंडिया गेट, इंडिया गेट के बगल में ही है। आप वहाँ जाइए और नेशनल म्यूजियम को विजिट कीजिए। नेशनल म्यूजियम में आपको ये सारी चीज़ें जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो आपको एज इट इज़ वहाँ पे रखी हुई दिखेंगी। सारा सामान जो मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसका कुछ सामान हमने रखा हुआ है म्यूजियम में, वो आप देख सकते हो। और उसको जो है कुछ चीज़ ऐसी है जो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान वाले म्यूजियम में, तो पाकिस्तान तो आपके पास जाने का टाइम है नहीं, बट हाँ अगर इंडिया में हो तो देखने के लिए जा सकते हो, तो ये आप देखना कभी आपको मौका मिले तो, ठीक है। तो आइवरी सील्स हैं जो कि मिली हमें, और बहुत सारी सील्स और इंस्क्रिप्शंस हैं। इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। हालांकि इनकी स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक डेसिफर्ड नहीं है, एंड जो स्टाइल ये फॉलो करते थे दैट इज़ बॉस्ट्रोफेडन स्टाइल, बॉस्ट्रोफेडन स्टाइल ये यूज़ करते थे। और इन्होंने जो भी लिखा हमें नहीं पता इन्होंने क्या लिखा, और इनकी स्क्रिप्ट में हम देखते थे कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, और ये ऑल्टरनेटिव लाइन्स में डायरेक्शन चेंज कर लेते थे, जैसे स्नेक की तरह, ऐसे एक लाइन सीधी लिखी फिर दूसरी लाइन ऐसे लिखी, तीसरी लाइन ऐसे लिखी, तो ऐसे फॉलो करते थे। और यहाँ पर हम देखते थे कि जो एनिमल इंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मिलता है हमें, बहुत सारे अलग अलग जानवरों की पिक्चर्स बनी हुई रहती थी, और हम देखते थे कि बहुत जो कॉमन एनिमल्स जिनके कि हमें फोटोज़ पिक्चर्स ज़्यादा देखने को मिलते थे वो है यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बुफेलो, बाइसन एंड गोट। ये सब हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था। हालांकि हमें काओ का कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिला है, किसी भी सील पर काओ का कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है। जनरली ये जो सील्स हुआ करते थे इनमें हम एनिमल या ह्यूमन फिगर ज़्यादा देखते थे, और हम देखते थे कि इसमें एक तरफ क्या है कि फोटो बनी हुई है और एक तरफ इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो ऐसे होता था। सील्स और इंस्क्रिप्शन कभी कभी थर्ड साइड में भी दिखते थे, जैसे कि मान लो ये सिक्का है तो एक तरफ सिक्का है, दूसरी तरफ दो पहलू होते हैं सिक्के के, एक तरफ जो है इंस्क्रिप्शन है, दूसरी तरफ भी कुछ और है, और कई बार ये जो बॉर्डर होती है जो किनारा किनारा रहता है इस पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ रहता था।
तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं। अगर हम स्कल्पचर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि ये जो सील्स हमें मिली हैं इसका क्या पर्पस था। सील्स को कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता था और ये कई बार पहचान के लिए भी मिलती थी। ऐसा लगता था कि ये जो जैसे कोई सील है मान लो, तो उसके ऊपर क्या है ऐसे ऐसे होल किया हुआ छेद करके उसको धागा उसमें डाल दिया एक और उसको गले में पहन लिया। तो ऐसे सील्स को गले में पहनते थे लोग और उसको डेड बॉडीज़ के साथ हमें ऐसे सील्स मिली है। ऐसा लगता है कि शायद वो इसको ताबीज़ की तरह यूज़ करते थे और उनको जो है भूत प्रेत में बड़ा विश्वास था तो वो लोग ताबीज़ यूज़ करते थे और ये सब चीज़ें पहनते थे। और हमें कई बार मैथमेटिकल इमेजेस भी देखने को मिली है सील्स पर जो दर्शाती हैं कि शायद इनको एजुकेशनल पर्पस के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए भी यूज़ किया जाता था। मतलब सिर्फ फांकी मस्ती नहीं करते थे, पढ़ते लिखते भी थे ये लोग। अब जो है एग्जाम्पल देखेंगे इनका कि भाई कौन कौन सी सील्स हमें मिली हैं। एक है पशुपति सील और एक है यूनिकॉर्न सील। अभी ये वाली जो आप इमेज देख रहे हो ये पशुपति सील की इमेज है और ये एक स्टेटाइट है सील जो कि डिस्कवर हुआ है मोहनजोदाड़ो में। एक स्टेटाइट सील है विच वॉज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो जो कि हमें ह्यूमन फिगर्स दिखाता है। और ये जो डीटी है, ये जो भगवान है, ये आलती पालती मोर करके बैठे हैं क्रॉस लेग्ड। ये पशुपति की ये है और इन्होंने तीन जो है तीन सिंग वाले थ्री हॉर्न हेडगेयर पहना हुआ है। ये देखो 1 2 3, तीन इनका हेडगेयर है। और इनके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, टाइगर है जो कि राइट साइड में है, देन राइनोसोरस और बुफेलो है जो लेफ्ट साइड में है, दो डियर हैं जो कि उनके पैर के नीचे यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे डियर्स बने हुए हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये पशुपति सील से क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले। एक और चीज़ मिली है हमें ब्रॉन्ज फिगर। ये बहुत पुरानी ब्रॉन्ज फिगर है। ये जो है ये न्यू डांसिंग गर्ल है जिसकी हमें इमेज मिली है। एंड इसमें लॉस्ट विक्स टेक्निक को यूज़ किया जाता था। इसे सायर पर्ड्यू भी कहते हैं। जैसे कि मान लो पहले तो ये जैसे मूर्ति है, इस मूर्ति को मोम से बनाया, मोम की मूर्ति में छेद कर दिया और उसके अंदर पिघला करके जो मेटल है वो भर दिया और फिर बाद में से उस मोम को ऊपर से साफ कर दिया तो जो मेटल है वो मूर्ति उसकी बन जाती थी और ऐसे निकल के आ जाती थी। तो ये जो डांसिंग गर्ल है ये ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जो कि हमें मोहनजोदाड़ो में मिली। इन्होंने सिर्फ ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। ये त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर में खड़ी है। शी इज़ इन त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर और इन्होंने ब्रेसलेट भी पहना हुआ है और राइट आर्म में इसके ब्रेसलेट है। एंड आप देख सकते हो कि इनका जो राइट हैंड है इट इज़ ऑन हर हिप। सो ये ब्रॉन्ज फिगर है। देन टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब आप लोग पूछ रहे थे कुछ कुछ, तो देखो टेराकोटा होता क्या है। मैंने आपको बताया जो मिट्टी होती है उसको पका करके बनता है, तो क्ले होता है ना जो उसको बेक कर देते हैं। क्ले मतलब कि चिकनी मिट्टी। खिड़कियों से कभी अगर निकाली हो आपने बचपन में, किसी किसी की नई नई खिड़की बनती थी, कुछ कुछ नया काम होता था कंस्ट्रक्शन वाले, वहाँ पे बड़ा मिलता था ये चिकनी मिट्टी का। मैंने तो बहुत निकाले हैं आपका पता नहीं। तो ये बेक्ड क्ले है। इसको क्या करते हैं, क्ले को चिकनी मिट्टी को पका देते हैं और पकाने के बाद वो थोड़ी पक्की हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। तो इसमें जो है टेराकोटा को हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी मिली है। अगर हम इसको ब्रॉन्ज फिगर से कंपेयर करें तो टेराकोटा स्कल्पचर्स हमें कम मिली हैं, ज़्यादा हमें ब्रॉन्ज की स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ मिली हैं। टेराकोटा की मूर्तियाँ हमें कम मिली हैं। इसमें पिंचिंग मेथड को यूज़ किया जाता था, मतलब जोर जोर करके लगाया जाता था और ये हमें गुजरात में कालीमंगन में मिली है। टेराकोटा को जनरली टॉय, एनिमल फिगर, मिनियाचर कार्ट, व्हील्स ये सब बनाने के लिए किया जाता था। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि ये जो लोग हैं ये ट्रैवल करते थे कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कि नहीं, यस और नो? ऑफ कोर्स दे ट्रैवल्ड बिकॉज वी कैन सी व्हील्स हमें मिले हैं, बुलक कार्ट मिला है, मिनियाचर कार्ट मिला है, तो ये लोग व्हील्स वगैरह मिले हैं। तो मतलब ऑफ कोर्स ये लोग ट्रैवल करते होंगे। नाव बनाना जानते थे तो नाव के द्वारा ट्रैवल करते होंगे। शिप बिल्डिंग जानते थे, हमें डॉक यार्ड मिला है तो हम जानते हैं कि भाई शिप बिल्डिंग ये सब समझते थे, तो ये लोग जाते आते रहते थे। और बार्टर सिस्टम था इनका। बार्टर सिस्टम मतलब कि कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी ट्रेड करते थे। हमें मदर गॉडेस की एक एग्जाम्पल है, मास्क हॉर्न डीटी है जो हमें मिला है। ये जो मदर गॉडेस का फिगर है ये हमें बहुत सारी इंडस साइट्स में देखने को मिला है। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो क्रूड फिगर है इसमें एक फीमेल है जिन्होंने नेकलेस पहना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मदर गॉडेस का फिगर है। और आज भी हम देखते हैं कि इस प्रकार की दुर्गा माता की मूर्तियाँ, अलग अलग देवियों की मूर्तियों की पूजा होती है। एंड इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने लायन क्लोथ पहना हुआ है, कमरबंद भी पहना हुआ है और इन्होंने फैन शेप का हेडगेयर पहना हुआ है। फेशियल फीचर जो है वो थोड़े क्रूडली बनाए हुए हैं, लैक फाइननेस, इतना ज़्यादा फाइनली नहीं है, इतना ज़्यादा नाक नक्शे एकदम ठीक से नहीं दिख रहे हैं, बट ठीक ठाक बनाया हुआ है। एक और चीज़ है पॉटरी। तो पॉटरी जो है वो हमें कई सारी एक्सकवेशन साइट्स पर मिली है। इनको हम अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं पॉटरीज को। जस्ट वेट, मैं थोड़ा टाइम देख लूँ कितना बचा है हमारे पास। हाँ अभी हमारे पास 15 मिनट और हैं, ठीक है।
15 मिनट और हम क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग ये पॉटरी वगैरह कवर कर लेते हैं पहले, पॉटरीज के बाद हम फिर मैं आपके जो डाउट्स हैं वो ले लूँगी, जो भी आप डाउट्स वगैरह पूछोगे वो मैं आपके लाइव डाउट्स के आंसर करूँगी, ठीक है। तो पहले पॉटरी कवर करेंगे। इसमें हमें प्लेन पॉटरी मिली है, हमें पेंटेड पॉटरी मिली है। पेंटेड पॉटरी को अगर आप देखें तो इसमें हमें रेड एंड ब्लैक पॉटरी मिली है, जिसमें जो रेड कलर है वो पेंट को, बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए यूज़ होता था, और ग्लॉसी ब्लैक पेंट है जो कि डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ होता था। तो इसमें क्या क्या डिज़ाइन बनाते थे ये लोग, ये लोग पेड़ पौधे पंछी एनिमल्स ये सब बनाते थे और ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाते थे। तो पेंटिंग में यही सब चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जब मिडिवल इंडिया में हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, तो क्या इस्लामिक इंडिया, जब यहाँ पे देखते हैं कि इस्लामिक इन्वेशन हुआ था इंडिया में, तो क्या तब भी हमें इस प्रकार के ट्रीज बर्ड्स और एनिमल फिगर्स देखने को मिलते हैं उनके आर्किटेक्चर में? येस और नो, गिव मी द आंसर। क्या हम तब भी देखते हैं ऐसे ह्यूमन फिगर्स और इस प्रकार की चीजें? डू वी सी? हाँ हर्ष गंधवी, राजस्थान में ही काली बंगन है। यस ठीक है। नो इट वॉज नॉट यूज्ड। मोहित त्रिपाठी, मोहित त्रिपाठी त्रिपाठी राइट आंसर, राइट आंसर इज नो, राइट आंसर इज नो। हमें मिडिवल इंडिया में इस प्रकार के कोई भी फिगर्स वगैरह, ट्रीज बर्ड्स ह्यूमन फिगर्स देखने को नहीं मिलते हैं। वो लोग पीटरा दूरा आर्ट, वो लोग जो है रंगोली टाइप के जो डिजाइन होते हैं वो सब यूज करते हैं। आप देखोगे कि मिडिवल इंडिया में वो लोग कैसे डिजाइन यूज करते हैं, ऐसे 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 डिजाइन बनाएंगे, ऐसे 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 डिजाइन बनाएंगे, कुछ कुछ मतलब इस तरह का जाली वर्क करेंगे, जाली वर्क ये सब देखने को मिलता था। आप यार बिल्कुल नितिन सिंघानिया पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ो नितिन सिंघानिया, ये आर्ट एंड कल्चर पढ़िए और लेटेस्ट एडिशन खरीदिएगा, पुराना वाला मत ले आइएगा। नितिन सिंघानिया पढ़िए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमें हिंदू कल्चर में ज़्यादा देखने को मिलता है। मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा ट्रीज बर्ड्स एनिमल फिगर्स वगैरह, ज्योमेट्रिक पैटर्न भी बनाया जाता था। एंड बहुत सारी पॉटरीज है जो कि हमें मिली है, और ये जो पॉटरी वगैरह है ये कई बार जैसे जो कुम्हार होता है चाक पे बनाता है, जैसे चाक पे बनी हुई व्हील मेड वेयर्स भी मिली है, कुछ कुछ हैंडमेड भी है जो हाथ से बनी होती थी। और इस टाइम में हमें पॉलीक्रोम पॉटरी भी मिली है, और इसमें हम देखते हैं कि हालांकि ये बहुत रेयर है बट मिलती थी, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती थी। पॉटरी को अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ करते थे, जैसे कोई मान लो प्लेन पॉटरी है तो उसको डेली यूज़ के लिए, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, स्टोरेज के लिए, ग्रेन्स के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड इसके बाद मिनियाचर वेसल्स है, जिसको कि आप देखोगे कि ये बहुत छोटे होते थे, लेस देन एन इंच, बहुत छोटे छोटे मिनियाचर वेसल्स। मिनी का मतलब ये छोटा, तो इसको क्या डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए इसको बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया जाता था। देन कुछ ऐसी पॉटरीज थी जिन जो परफोरेटेड थी, उनको कुछ छानने के लिए यूज़ करते थे, जैसे कुछ छानना है, स्ट्रेनिंग करनी है लिकर की, तो उसके लिए यूज़ होता था, ठीक है। तो ये सारे इस प्रकार की पॉटरी थी। अब ऑर्नामेंट की बात करते हैं। दिस इज़ दी लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हड़प्पन कल्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। देखो ऑर्नामेंट की बात करें, गहनों की बात करें, तो हड़प्पन्स बहुत सारी वेराइटी ऑफ मटीरियल यूज़ करते थे, प्रीशियस मेटल्स वगैरह, जेम स्टोन ये सब ये यूज़ करते थे, एंड बेक्ड क्ले भी यूज़ करते थे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। बहुत ही हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट हैं, मेन एंड वुमेन दोनों ही पहनते थे, और इसमें ये लोग जो है नेकलेस, कमरबंद, बाजूबंद और रिंग्स सब कुछ पहनते थे। तो जो ग्रिडल्स हैं, यानी कि जो कमरबंद होती है, कान के झुमके होते हैं, पायल होती है, ये केवल महिलाएँ पहनती थी, और बाकी सब चीज़ें तो पुरुष भी पहनते थे। क्या क्या चीज़ों से बनता था ये सब ऑर्नामेंट? बनते थे कॉर्नेलियन, एमेथिस्ट, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, इस प्रकार के अलग अलग स्टोन हैं जिससे ये बनता था। और लार्ज स्केल में ये हमें मिले हैं, चनूदड़ों में मिला है, चनूदड़ों और लोथल में मिला है। और जो फैब्रिक था उसमें कॉटन और वूल बहुत ज़्यादा, कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा था क्योंकि ब्लैक सॉइल है साउथ इंडिया में, और वैसे भी इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा है, तो ये होता था। एंड एक्सपेंसिव फायंस जो है वो भी यूज़ होता था, चीप जो क्ले होता है उसका भी यूज़ होता था। और ये लोग सिलाई बुनाई जानते थे, तो सिलाई बुनाई कढ़ाई सब जानते थे, तो अलग अलग एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहनते थे, तो फैशन कॉन्शियस थे, फैशन का बहुत ध्यान था इनको। हेयर और बियर्ड के अलग अलग स्टाइल्स हम देखते हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन थी, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर हर चीज़ के मामले में, और स्किल्स और इनके जो क्राफ्टमैनशिप है वो बहुत ही अच्छी थी।
ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आप देखो, ये वाला जो हमें है रेड सैंडस्टोन का फिगर मिला है मेल टॉर्सो का, ये एक रॉक स्कल्पचर है। एंड जो बियर्डेड प्रीस्ट मिला था, उनकी मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी, तो उन्होंने शॉल पहनी है ट्रीफॉयल पैटर्न में और उनकी आंखें आधी बंद है, यानी कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, और वो जो है उन्होंने शॉल ओढ़ा हुआ है, उन्होंने अपने सर पर भी एक जो है छोटा सा कुछ ऑर्नामेंट पहना हुआ है। एंड इनके जो है हम देखते हैं कि रेड सैंडस्टोन का ये जो टॉर्सो, इसको आप देखें, ये जो है इन्होंने पिज्ज़ा ज़्यादा खाया तो इनका पेट थोड़ा निकला हुआ है, और इनके आसपास जो है सॉकेट होल्स हैं, ये इनके आर्म्स और नेक को अटैच करने के लिए डाले हुए हैं, तो ये अटैचमेंट के लिए थे, हेड एंड आर्म्स को अटैच करने के लिए ये टॉर्सो है जो कि फ्रंटल पोस्चर में खड़ा है। अब हमारा हड़प्पन आर्ट कवर हुआ। हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर इज डन, आर्किटेक्चर इज डन, स्कल्पचर इज डन, मैप इज डन एंड फाइंडिंग्स इज डन, बहुत अच्छे से कवर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगी? होगी तो सुबह के टाइम में होगी, ठीक है। आपकी अगली क्लास होगी 9:30 से 10:30 बजे मंडे, ठीक है, यहाँ मंडे को होगी आपकी नेक्स्ट क्लास। अब आप डाउट्स पूछ लो, कोई डाउट है आपका, कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द है तो बांट लो। पिट ओवल थे ये कैसे पता चला मैम? प्लीज रिप्लाई, वॉज देयर एनी वॉल अराउंड इट? मोहम्मद फरूकी आजम, देखिए पिट ओवल कैसे थे, जब हमने खुदाई की तो खुदाई में हमें देखने को मिल रहा है कि ये ओवल ऐसे करके खोदा गया है और उसके नीचे ऐसे पूरा गड्ढा बना हुआ है। तो ऐसे जब हम खुदाई करते हैं ना, तो धीरे धीरे, ऐसे नहीं है कि हम जब खोदते तो कुल्हाड़ी लिया और ले दे के मारना शुरू कर दिया, नहीं, जैसे ब्रश से धीरे 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 उसको हटाते हैं, साफ करते जाते हैं। तो जब वहां पे देखा तो वहां पे क्या था, खोखला सा था और मिट्टी के अंदर ऐसे गड्ढा बना हुआ है, ऐसे ओवल पिट बरियल है, और उसके नीचे हमने देखा कि एक बॉडी है जिसको दफनाया हुआ है। कई बार हम देखते थे कि ऐसे पिट हाउसेस भी होते थे जो कि कश्मीर में मिले हैं हमें, जैसे कि बुर्जा होम कश्मीर में मिला है हमें, डेक्कन इंडिया में मिला है हमें, बहुत सारी मेगालिथिक साइट्स भी मिली हैं जिसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाती रहूंगी जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ऐसे जो है ओवल का मतलब होता है ओवल, और पिट का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा खोदा हुआ है मिट्टी में। जैसे मान लो कि ये पूरा मिट्टी है, ये पूरा मिट्टी है पूरा यहाँ पे, तो ऐसे बीच में अगर गड्ढा खोदा रहेगा तो देख के पता नहीं चल जाएगा कि गड्ढा है, तो ऐसे देख के पता चल जाता था, बस सिंपल। अनअकैडमी प्लस के बारे में बताऊं पीयूष? ठीक है मैं बताती हूँ, और एक शॉर्ट रिव्यू लूँ, हाउ टू कवर करेंट अफेयर ऑफ लास्ट ईयर, आई डेंट रीड हिंदू, कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षा, नोट्स मिल जाएगा, हाउ टू लिसन योर हिस्ट्री एंड एनवायरमेंट वीडियोज एंड हाउ टू गेट सी। अब मैं आपको थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताती हूँ तो आपको थोड़ा सा होगा। और बाकी मैंने कॉमेंट्स देखे नहीं, उनके लिए मुझे माफ करें, जिनके कमेंट्स मैंने देख लिए पहले मैं उनका आंसर करूंगी, क्योंकि वरना टाइम ऐसे ही अप हो जाएगा, मैं कमेंट पढ़ती रह जाऊंगी और रिप्लाई कर नहीं पाऊंगी, फिर आपको कोई फिर फायदा नहीं है। देखो सबसे पहले अनअकैडमी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या। अनअकैडमी इज अ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, इसका आप फ्री में एक ऐप डाउनलोड करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे कहाँ से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके उसको खोलिए, उसमें सर्च कीजिए आरती मिश्रा, आपको यूपीएससी कैटेगरी के सारे कोर्सेज फ्री में वहां मिलेंगे, जहां मैंने शंकर आईएएस की जो बुक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, वो उसकी समरी बनाई है, वो आपको मिल जाएगी, जैसे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। जब तक सर्च नहीं करोगे, खोलोगे नहीं, तब तक क्वेश्चन दिमाग में रहेगा, कुछ चीजें जब तक आप करते नहीं हो तब तक आता नहीं है, ठीक है, करो, ढूंढो, खोलो, उसको ढूंढोगे मिल जाएगा, सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे, सोचना नहीं है, ढूंढो उसको, ऐप को डाउनलोड करो फटाफट। उसके बाद आर्य शर्मा की बुक है एंशियंट हिस्ट्री की, उसकी मैंने समरी बनाई हुई है, नॉर्मल लीव की समरी मैंने बनाई है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। लक्ष्मीकांत की भी मैंने समरी बनाई हुई है, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए,
ठीक है, नॉर्मल ल्यू है, लक्ष्मीकांत है, आर एस शर्मा, शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की मैंने समरी बनाई है, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की समरी लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ। और इसके अलावा आपको और क्या कौन कौन सी जो भी बुक है मतलब स्टैंडर्ड, आप सर्च करना आपको मिल जाएगी। हाँ, रमेश सिंह की समरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रमेश सिंह जो इंडियन इकोनॉमी की बुक है पूरी उसकी समरी बनाई हुई है कंप्लीट, उसको देखो। आपकी इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ऐसा कोई भी टॉपिक जीएस का नहीं है जिसके रिलेटेड आपको मेरा कोर्स ना मिले, फ्री प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मतलब आप कोचिंग नहीं जा सकते हो, प्रोफेशनल हो और आपके पास इतना समय नहीं है, बट आपको कोचिंग का एनवायरनमेंट चाहिए और आपको थोड़ा कोचिंग में जैसे आप 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं, उतना नहीं खर्चा कर सकते, बट आपको जो है घर बैठे कोचिंग का एनवायरनमेंट चाहिए और एक प्रोफेशनल डायरेक्शन चाहिए जिसमें कि आपको पर्सनली कोई गाइड करे और जिसमें आपको पूरे नोट्स मिले, पूरा सारा स्टडी मटेरियल मिले, टेस्ट सीरीज मिले और डेली आपको चेक किया जाए, आप जो है लाइव क्लास अगर लेना चाहते हो तो आपके लिए है अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस क्या है, प्लस पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का एक मिलता है ऑप्शन, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है जो कि एक बहुत ही मिनिमल फीस है, किसी के लिए वो कम हो सकती है, किसी के लिए ज़्यादा, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन लाइक आपका क्या बैकग्राउंड एंड कैसे आपके फाइनेंशियल कंडीशंस है। जो भी है, सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो उसमें आपको 1 महीने का ले सकते हो, आप उसमें 6 महीने का भी ले सकते हो, आप उसमें 1 साल का भी ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। आप अगर वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पूरे जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी प्लस के हैं वो मिलते हैं, जिसमें आपका पूरा जीएस कवर होता है, जैसे कि आपका आर्ट एंड कल्चर कवर होता है, आपका हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शनल, सब कुछ है। मतलब ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले, अनअकैडमी प्लस पर हर एक चीज़ का कोर्स है और घर बैठे मिल रहा है। तो क्यों आप 4-5 लाख रुपए खर्चा करोगे, परेशान होगे, यहाँ वहाँ धक्के खाओगे मेट्रो में, इससे अच्छा घर में बैठो पढ़ाई करो और सेल्फ स्टडी के बेसिस पर एग्जाम क्रैक करो। ठीक है, तो ये है आपका करना, इसके लिए आपको जो है अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और अनअकैडमी प्लस को विजिट करना है, और बाकी सब चीज़ें जो है जब आप ऐप खोलोगे तो सब कुछ अपने आप ही दिखने लगेगा। जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना सब आसान लगेगा। अगर हाँ, एक ने पूछा था कि द हिंदू नहीं पढ़ा है अब क्या करें, एक काम कर सकते हो, आपके लिए एक शॉर्टकट बताती हूँ। वैसे देखो, शॉर्टकट हमेशा वर्क नहीं करता और शॉर्टकट अपनाना सही होता नहीं है, लेकिन अब क्योंकि आप एक प्रॉब्लम में फंसे हुए तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप क्या करो, विजन आईएएस का आप डाउनलोड कर लो पीडीएफ करंट अफेयर का और उसको एक बार पूरा पढ़ो, उसकी तरफ गो थ्रू करो, और अभी जितना टाइम बचा है अभी से आप द हिंदू डेली फॉलो करना शुरू कर दो। जो पहले नहीं किया कोई बात नहीं, जो छूट गया वो छूट गया, जो बीत गई वो बात गई, अब जो है उसको देखो और आगे के लिए तैयारी करो और उसको जो है कवर करना शुरू कर दो। अभी भी अगर आप तैयारी करना शुरू कर दो तो ट्रस्ट मी आपके पास टाइम है, और आप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा दे सकते हो और आप कितना मतलब आपके अंदर ग्रैस्पिंग पावर है, इसके बेसिस पे आप स्टार्ट करिए तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इसके बाद अब जो है एक चीज़ मैं बताऊंगा गाइस कि टाइम हो चुका है तो मैं अभी ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। जिन लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग कमेंट में, वीडियो अपलोड होने के बाद, ये तो लाइव सेशन चल रहा है पर कमेंट बॉक्स मिलेगा अभी आपको, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगी। डोंट वरी, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ लेना, डाउट्स पूछ लेना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी। क्लास आपको कैसी लगी, टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगा और आप क्या चाहते हो अगली बार कोई क्लास में, आपके कोई सजेशन है एनीथिंग, तो आप मुझे वो बताओ, उसके बारे में मैं ज़रूर कंसिडर करूंगी। मैं अपने लर्नर्स की बात ज़रूर मानती हूँ और मेरे लर्नर्स से इंपॉर्टेंट ज़्यादा मेरे लिए कुछ और नहीं है, तो आप मुझे अपना सजेशन दीजिए जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।